हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एट सीमा राय व्लॉग्स पे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे विदाउट स्टफिंग, जिसमें भरने की कोई झंझट ही नहीं, आप ऐसे ही रोटी की तरह बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम बनाना। तो आलू का पराठा बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 कप आटा, 1 मिर्ची, अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कलियाँ और 2 बड़े आलू। अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना लेंगे हम। अब फटाफट से हमने तेल गरम कर लिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद हम अदरक और लहसुन का पेस्ट को फ्राई करेंगे, उसका कच्चापन दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये फ्राई करने के बाद हम फटाफट से डालेंगे आलू, बस आलू को बस 1 मिनट के लिए हम डालेंगे, उसके बाद हम तुरंत गैस को ऑफ कर देंगे। ऐसे 2 मिनट के लिए फ्राई करने से आलू का टेस्ट और लहसुन अदरक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो आलू अदरक लहसुन और मिर्ची को ऐसे भी डाल सकते हैं, बस पेस्ट बना के। तो अब हमारा आलू ठंडा हो चुका है, तो अब हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को अच्छे से ठंडा होने के बाद ही मैश करें। क्या है कि गर्म आलू में नमक डालने से वो ज़्यादा ही पानी छोड़ता है, तो इसीलिए हम गरम आलू में नमक या कुछ भी नहीं डालेंगे। अच्छे से ठंडा होने के बाद ही मैश करेंगे, उसके बाद सारे सामान रखेंगे। तो मैंने डाल दिया है इसमें आटा, आधा छोटी चम्मच नमक, थोड़ा सा हल्दी, 1 छोटी चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा डाल देंगे हम कलौंजी। कलौंजी से पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बाकी इसी स्टेज पे हम धनिया भी डाल देंगे, मैं धनिया डालना भूल गई थी, आप प्लीज़ डाल देना। और उसके बाद हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाल, इसमें पानी का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आलू से ही हमारा आटा गूंद जाएगा। तो हम ऐसे ही अच्छे से मिलाएंगे, बीच बीच में इसमें सूखे आटा डालते रहेंगे। इसमें जो भी मेहनत है बस आटा गूंदने में है, उसको अच्छे से मसल मसल के गूंदना है। 10 मिनट तक हम ऐसे ही इसे मसल मसल के अच्छे से गूंदेंगे। तो बीच बीच में हमें सूखे आटे डालते रहना है, इससे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे आटा। ऐसे ही हम अच्छा से लगा लेंगे। तो आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है, अब इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए डालेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, अब चलते हैं इसे बनाने। ऐसे आलू मिक्स करके पराठा बनाने से आटा थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो हम बेलेंगे इसे बिल्कुल हल्के हाथों से। एक बार बना लोगे उसके बाद आप खुद समझ जाओगे, बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो ऐसे ही हम सारे पराठे को बना लेंगे। ऐसे ही नए नए रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से बहुत हिम्मत मिलती है। अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो मिस्टेक फिर से ना हो। तो सारे पराठा मैंने बना लिया है, मैं अभी आपको अच्छे से दिखाती हूँ तोड़ के, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। एक बार आप इसे बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। एक बार आप सीख जाओगे तो बार बार यही बनाओगे। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।